हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है मंगलवार का है, और मंगलवार को मैंने ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट थोड़ा रिकॉर्ड करी थी। तो सुबह सुबह बच्चों को खाना दे करके, क्योंकि बच्चे हमारे छुट्टी पे थे, तो सुबह उनको खाना दे दिया था। उसके बाद मैं नहा धो करके तैयार हो गई थी, पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद एक बार मैं मंदिर का व्यू आप लोग को दिखा दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया, और फिर मैंने पिछले वीडियो में जैसे आप लोग को दिखाया था कि मैं हरी हरी साग वगैरह लेके आई हूँ, तो वो मैं साग अभी तोड़ ले रही हूँ। और उसके बाद देवी के भतिया की मैं चोटी करनी थी, ऐसे ही बाल खोल करके घूम रही थी सुबह से ही। और उसमें अंश की तबीयत ख़राब थी, और इसको भी फीवर आ गया था भव्या को भी, तो इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा था। ये मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन स्कूल नहीं गए हैं। और बाकी मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह तोड़ ले रही हूँ, और बच्चे बाहर ही खेल रहे थे क्योंकि और कोई बच्चा था नहीं, सभी स्कूल गए थे। यही दोनों थे, ये दोनों आपस में खेल रहे थे। और शाम को मैं गई थी पार्लर, तो ये देखिए पार्लर गई थी, वहीं का वीडियो है। मैं गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए, मुझे और कुछ नहीं कराना था क्योंकि शाम को एक पार्टी थी तो वहाँ जाना था, तो इसलिए मैं गई थी शाम को थ्रेडिंग कराने। और ये जो वीडियो दे रही थी शाम को पार्टी का, ये भव्य डांस कर रही है। यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी बन करके लोग डांस कर रहे थे, तो ये भी साथ में डांस कर रही है। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अगले दिन आते हैं वेनेसडे, आते वेनेसडे ये दोपहर का वीडियो है जिसके बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से। क्या निकाल लो, नमस्ते, चलो 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 चलो, आ जा बेटा। चल नहीं बेटा। और वैन में जो भी कारनामे करता है अंश, वो सारी यहाँ पे आकर के भव्य बताती है, भैया ने ये किया, भैया ने वो किया। और उसके बाद इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे, फिर मैंने इनको दोनों को खाना दे दिया था खाने के लिए। सुबह बनाई थी मेथी पराठा, तो वही मैंने इनको दे दिया है गर्म करके। और फ्रूट्स थे कुछ, तो मैंने काट करके दे दिया है। ये स्कूल में प्रॉपर खा के नहीं आए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर दे देती हूँ, तो खाने के साथ साथ ये थोड़ा सा फ्रूट भी खा लेंगे। और इसके बाद खाने के साथ साथ इनकी शैतानियाँ भी शुरू रहती है। ये देखिए शैतानी करते रहते हैं, पहले पिटाएंगे फिर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद ये लोग इतना टाइम ही लगा दिए थे कि इनके खेलने का टाइम हो गया था, तो ये दोनों चले गए थे पार्क में। और ये वापस आ गए हैं शाम का, यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:15 के आसपास का, तो फिर मैंने इन दोनों को दूध दे दिया गर्म करके। और फिर यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं साथ के साथ तैयारी कर ले रही हूँ यहाँ रात के डिनर की। तो मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, तो उसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची एक प्लेट में रख लिया है, और छोटे छोटे पीसेस में प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है। और ये देखिए इलायची को मैंने इसको बीच से तोड़ लिया है। सब्जियाँ मेरे पास जो अवेलेबल थी, गाजर, आलू, गोभी, मटर, टमाटर और चावल को भी धो लिया है, और सबको सब्जियों को काट करके धो करके रख दिया है। और यहाँ पे मसाले का डब्बा भी साथ में रखा है, ताकि फटाफट से तैयारी करती जाऊँगी और बनता जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा देसी घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें जो मैंने जीरा और लौंग इलायची रखा था वो ऐड कर दूँगी, और हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। उसके बाद मैंने जो सब्ज़ी काट करके रखी थी वो सारी सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर दूँगी, और टमाटर और मटर भी ऐड कर दूँगी। और 2-3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, तो मसाले वही रूटीन वाले मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और नमक, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके
पाँच छः मिनट के लिए पका लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। और मैंने 2 गिलास चावल लिया था तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 गिलास पानी और थोड़ा सा पानी यहाँ पे सब्जियाँ हैं इसलिए डाल रही हूँ एक्स्ट्रा। और उसके बाद बिना ढक्कन लगाए 1 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी और जब 1 उबाल आ जाएगा तो मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 1 सीटी आने तक मैं इसको पका लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं टमाटर की चटनी बनाने वाली हूँ तो टमाटर रखा है बॉयल होने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर कुकर में 1 सीटी आ गया है, मैंने गैस को कर दिया है बंद और यहाँ टमाटर जो मैंने रखा था वो भी बॉयल हो गया है। तब मैं बना ले रही हूँ चटनी और कुकर का जो प्रेशर है वो निकल गया था तो मैं अभी आप लोग को इसका ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ। देखिए और ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया काट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और अभी मैं आप लोग को थाली लगा करके दिखा रही हूँ। और साथ के साथ मैंने जो टमाटर की चटनी बना के रखी थी वो भी ये देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, चटनी भी बन गया है। और यहाँ पे अब मैं थाली लगा करके दिखाती हूँ। आई होप आज का जो वीडियो होगा आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।